नमस्ते, मैं डॉक्टर यश विलंकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ ये यूट्यूब चैनल। अपने हेल्थ के लिए ब्रेन में और शरीर में जो कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप फील गुड ऐसा महसूस करते हैं, अच्छा आनंद महसूस करते हैं, उस समय ब्रेन में कोई केमिकल्स होते हैं उसके कारण ही यह आनंद की अनुभूति होती है। अपने ब्रेन के जो कुछ सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक दूसरे से चिपक कर नहीं रहते। उन दो न्यूरॉन्स के बीच में स्पेस रहती है और उस स्पेस में कोई ना कोई केमिकल क्रिएट होता है और वह केमिकल यह जो सिग्नल है यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाता है। इसीलिए इन केमिकल्स को न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऐसा कहते हैं। अब साइंटिस्ट ने 100 न्यूरो ट्रांसमीटर ढूंढ निकाले हैं। उनमें से 4 केमिकल्स ऐसे हैं जो अपने फील गुड के लिए, आनंद के अनुभूति के लिए आवश्यक है। उसमें से एक है सेरेटोनिन। यह केमिकल जब कम होता है तो हमें उत्साह नहीं होता, उदासी होती है, डिप्रेशन होता है। दूसरा केमिकल है डोपामाइन। यह केमिकल अब जब आपके मन में क्यूरियोसिटी रहती है और कुछ ना कुछ करे ऐसी जो कुछ प्रेरणा रहती है, मोटिवेशन रहता है, तो उस समय ब्रेन में यह डोपामाइन केमिकल रहता है। तीसरा केमिकल है ऑक्सीटोसिन। जब भी आप किसी दूसरे से स्नेह से वार्तालाप करते हो, एक दूसरे से मिलते हो, प्यार करते हो, माँ अपने बच्चे को जब ब्रेस्ट मिल्क पिलाती है तो उस समय ब्रेन में यह ऑक्सीटोसिन यह केमिकल क्रिएट होता है। और चौथा केमिकल है एंडोर्फिन। यह एंडोर्फिन मॉर्फिन जैसा ही है। मॉर्फिन अपने ब्रेन में क्यों पैदा होता है, साइंटिस्ट ने ऐसा मालूम हो गया कि इस केमिकल के कारण ही अपने पूर्वज नंगे पाँव दौड़ सके और अपना सर्वाइवल कर सके। मनुष्य जाति के विकास में इस एंडोर्फिन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जब हमारे पूर्वज नंगे पाँव दौड़ते थे अपना बचाव करने के लिए, उस समय अगर उन्हें जो कुछ वेदनाएं होती थी, जो घाव होते थे, उनकी अगर वेदना होती थी तो वो दौड़ नहीं सकते थे और खुद का बचाव नहीं कर सकते थे। लेकिन दौड़ने के कारण शरीर में यह एंडोर्फिन पैदा होती है और उसके कारण वो वेदना, उसकी तीव्रता कम होती है और उसी के कारण अब हमारे पूर्वज दौड़ कर खुद का बचाव कर सके। और इसीलिए यह एंडोर्फिन जब हम कसरत करते हैं, दौड़ते हैं, तो उस समय शरीर में पैदा होता है। जब भी आप कोई शारीरिक कसरत मूवमेंट करते हो, बॉडी की मूवमेंट करते हो, तो ब्रेन में यह केमिकल पैदा होता है। अपना ये जो शरीर पैदा हुआ है यह मूव होने के लिए पैदा हुआ है, हिलने के लिए पैदा हुआ है। अगर हमने अपने शरीर की मूवमेंट नहीं की, पोज पे पड़े रहकर सिर्फ टीवी देखते रहे, तो बाद में बोर होने लगता है। क्योंकि अगर हमने शरीर की मूवमेंट नहीं की तो ये जो फील गुड फैक्टर के लिए जो कुछ केमिकल्स आवश्यक है वो शरीर में पैदा ही नहीं होते। इसीलिए शरीर की हलचल करनी चाहिए, कसरत करनी चाहिए, मसल स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो जब भी आप ऐसी कोई भी शरीर की हलचल, कसरत ये करते हो तो यह एंडोर्फिन क्रिएट होता है और फील गुड ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। जैसा ये शरीर की कसरत से क्रिएट होता है, वैसा ही कुछ जब आप मसालेदार चीज़ें खाते हैं, जैसा मिक्सचर है, कोई आलू बोंडा है, वो जब तीखा होता है तो उस तीखेपन के कारण अपने मुंह में या पेट में भी जो जलन होती है वो जलन कम करने के लिए एंडोर्फिन पैदा होता है। और इसीलिए वो जो कुछ स्पाइसी चीज़ें हैं वो खाने की हमें इच्छा होती है, क्योंकि वो खाने के बाद फील गुड ऐसा सेंसेशन आता है। लेकिन वो जो स्पाइसी चीज़ें हैं वो अपने पेट पे बुरा असर करती है। इसीलिए अच्छा महसूस होने के लिए
स्पाइसी खाने के बजाय एक्सरसाइज करना हेल्दी ऑप्शन है। दिन में बार बार शरीर की हलचल होनी चाहिए। अगर आप चेयर पे बैठकर बहुत बार काम करते हो तो भी जो थकान आती है, जो मूड खराब होता है, उसका भी कारण एंडोर्फिन पैदा नहीं होता। इसीलिए बीच बीच में खड़े होकर स्ट्रेचिंग करना चाहिए, चलना चाहिए। ऐसा जब आप करते हो तो ब्रेन में एंडोर्फिन पैदा होता है। जब आप योगा पोस्चर करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो, प्राणायाम करते हो, तो उस समय भी यह एंडोर्फिन अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में पैदा होता है। और उसी के कारण योगा पोस्चर करने के बाद रिलैक्स, तो यह रिलैक्सेशन के लिए बीच बीच में एंडोर्फिन पैदा अगर हम करते रहे तो बाहर से यह जो कुछ एडिक्टिव ड्रग है, जैसी नशीली दवा, अल्कोहल, यह लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए अपने ब्रेन में निसर्गतः जो कुछ मॉर्फिन पैदा होता है वो हमें पैदा करना चाहिए, लेकिन वो क्रिएट करने के लिए स्पाइसी चीज़ों से एक्सरसाइज यह ऑप्शन चूज़ करना चाहिए।